परिषद की आज धर्मसभा है। धर्मसभा की शुरुआत में ही आज सुबह का माहौल देख सकते हैं, बेहद शांत है अयोध्या। जैसा कि कहा जा रहा है, बाहर से लोग राजनीति कर रहे हैं, अयोध्या को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अयोध्या के अंदर का माहौल बहुत ही शांत है, बहुत ही ठंडा है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जरा कैमरा घुमाएंगे। तो हमारे सहयोगी में कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनसे कि क्या है इनका रुख, क्या सोच रहे हैं आप। अयोध्या एकदम शांत है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि अयोध्या शांत है, बस लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है इसको लेकर के। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए हैं, अभी ये जलेबियां बना रहे हैं, सुबह सुबह जलेबियों को गर्म कर रहे हैं, लेकिन लोगों को शांत कर रहे हैं। क्या माहौल है इधर? कोई दिक्कत है? सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा? संभावना भी है, किसी को कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई समस्या है। और आप आज धर्मसभा का आयोजन हो रहा है, आगे कुछ देर में उद्धव ठाकरे जी अयोध्या के दर्शन करेंगे और एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर अपने मुद्दों पर बात करेंगे वो। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। ईटीवी के लिए दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और अयोध्या धीरे धीरे राम भक्तों से भरने लगी है। आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि अयोध्या में तमाम दूसरे जिलों से लोग धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो पाए। आप पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी किस प्रकार से व्यवस्था में जुटे हुए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे जो प्रतिबंधित मार्ग हैं वहाँ पर पब्लिक न पहुँचने पाए और कोई अप्रिय घटना न होने पाए। यही नहीं, पीछे आप हमारे साफ तौर से यह भी देख सकते हैं कि अयोध्या में आने वालों की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगी है।